आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट कौन नहीं यूज करना चाहता है, हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करना चाहता है, उसका एप्लीकेशन यूज करना चाहता है, अपने मोबाइल में हर सोशल नेटवर्किंग साइट का एप्लीकेशन रखना चाहता है और उसे यूज करना चाहता है। लेकिन कभी कभी उसको ये प्रॉब्लम होती है कि उसके मोबाइल में उतनी स्पेस नहीं होती है कि वो सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का एप्लीकेशन रख ले, क्योंकि आप देखे होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट का जो एप्लीकेशन होता है बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल के अंदर कभी कभी उतना स्टोरेज नहीं होती है और उसे नहीं रख पाते हैं। तो इसी का एक मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, एक ऐसा मजेदार सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट के सारे एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के अंदर चला सकते हैं और बहुत ही कम जगह आपका मोबाइल लेने वाला है, 1 या 2 MB में ये सब कुछ काम हो जाएगा। तो ये क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हे नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट में। बात करते हैं दोस्तों कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट के सारे एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, इस मेरे मोबाइल के अंदर देख सकते हैं कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं आपको देखने को मिला, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर उतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट यहाँ पे यूज कर सकूँ। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर उतना तो स्पेस है नहीं, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूँ एक सोल्यूशन। दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोशल मीडिया। दोस्तों यह इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ये 2 या 3 MB का एप्लीकेशन है। चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फेसबुक यहाँ पे चल रहा है, और जैसे आपका चलता है क्या कहते हैं एप्लीकेशन से, उसी तरह यहाँ पे मेरा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये चल रहा है। तो आप इस तरह के यदि सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप भी यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोशल मीडिया। इस एप्लीकेशन को यदि आप पहली बार ओपन करें दोस्तों तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिनसेट, इंक्टिन, यहाँ देख सकते हैं लगभग में आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट, यहाँ सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट, और उसी के साथ कुछ जैसे शॉपिंग की वेबसाइट होती हैं, यूट्यूब होता है, जीमेल होता है, ये भी सारे की सारे चीज़ें आपको देखने को मिले। लगभग में आपको वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और बहुत ज़्यादा जगह वो लेता है। यहाँ देख सकते हैं लगभग में मैंने यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स तक यहाँ पे और फोटो बुकेट तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाता है। अब इसको हम यूज करेंगे तो मुझे उसी तरह का इंटरफेस मिलेगा जिस तरह का हमें इसके जो ओरिजिनल एप्लीकेशन तो वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर अगर फेवरेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मान लीजिए मुझे फेसबुक रखना है, ट्विटर रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मान लीजिए मुझे अमेजोन रखना है, इंस्टाग्राम रखना है, इस तरह से बैग आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फेवरेट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। जब भी आपने फेवरेट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फेवरेट मिल जाएगा और मेन मेन जाएगा तो यहाँ पे लगभग आपको सारे के सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह यहाँ जब 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं ये कैसे वर्क करते हैं। सेम उसी तरह ये वर्क करेगा, इसका इंटरफेस सेम उसी तरह होगा जैसे ओरिजिनल एप्लीकेशन को होता है। यहाँ देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फेसबुक चालू हो गया, यहाँ देख सकते हैं और सेम उसी तरह ये वर्क कर रहा है जैसे कि एप्लीकेशन इसका वर्क करता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको सिर्फ 2 या 3 MB का एप्लीकेशन यूज करना है, उसके अंदर बाद इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन यूज कीजिए और उसी तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जिस तरह का इंटरफेस आपको इसके ओरिजिनल एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। ये यूज कीजिए, आपके मोबाइल का स्टोरेज भी बचेगा और आपके सारे के सारे काम भी हो जाएंगे, सारे के सारे एप्लीकेशन भी यहाँ पर रन करेंगे। तो दोस्तों आई होप दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।